राहत को मिल रहा फरोग, वादी गुरेज में बहाल की जा रही सहूलियात। रिक्शा खींचने वाले के बेटे तनवीर ने आईएएस में अव्वल आकर पेश की नई मिसाल। और गोल्फ की तरबियत मुहैया होने से सरकारी स्कूल के बच्चों के हौसले हुए बुलंद। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं सियाहत को फरोग दिए जाने की। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे सियाहती मकामात हैं जो सयाहों के लिए अनजान हैं। लोग इसके बारे में जानें, वहां की खसूसियात से रूबरू हों, इसकी दरकार है। इसी के मद्देनजर मुख्तलिफ सियाहती मकामात को दरियाफ्त करने और वहां पर सहूलियात बहाल किए जाने पर अवलीन तरजीह मरकूज की जा रही है। उसी के तहत बला की कुदरती खूबसूरती वाले इलाकों में शुमार वादी गुरेज को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती कामों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। सयाहों के ठहरने के इंतजाम से लेकर उन्हें बेहतर खिदमात मुहैया कराने की सम्त में किए जा रहे इकदाम पर पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया भर में मकबूल है। झील, दरिया और बागार यहाँ की खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं। ऐसी ही कुदरती खूबसूरती से मालामाल है बांदीपुरा जिले में वाके गुरेज। हरी भरी घास और मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधों से सजा ये इलाका सयाहों को अपनी जानिब राहित करने की सारी सलाहियत रखता है। इसे सयाहती मकाम के तौर पर मंजरे आम पर लाने और सयाहों की आमद बढ़ाने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया हो रहा है इस वक्त यहाँ जो बन रहा है, इसमें आपको पता है काफी अकोमोडेशन मिलेगी हमें, और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास और भी होटल्स हैं, बाकी चीज़ हैं, तो ये होटल भी हैं, जगह फिर भी कमी होती है जगह की। हम होम स्टे का भी हम कर रहे हैं, बाकी ये जो काम चल रहा है ये बहुत बढ़िया चल रहा है। दूर दूर तक फैली हरियाली आंखों को सुकून देती है तो खुशनुमा माहौल ताजगी पैदा करने वाला है। सियाहत के लिहाज से माकूल होने के बावजूद ये इलाका सयाहों की पसंद से दूर रहा है। इसकी मकबूलियत बढ़े और सयाह इसकी जानिब खींचे चले आए, इसके लिए यहाँ पर टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर यानी टीआरसी की तौसी करने के साथ साथ दो मंजिला गेस्ट हाउस के तामीराती कामों को शुरू किया गया है, ताकि यहाँ पर आने वाले सयाह इत्मीनान के साथ अपनों के साथ ठहर कर यहाँ के खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज हो सके। जो और भी कुछ अंडर कंप्लीशन हमारे यहाँ कुछ हट्स वगैरह थे, उनको भी हम इस साल कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हों और अच्छी खासी हमारी अकोमोडेशन रहे टूरिस्ट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरेज आ जाएं और यहाँ की सीनरी, यहाँ के पहाड़, जंगल वगैरह का लुत्फ उठाएं। श्रीनगर और बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के करीब है वादी गुरेज। श्रीनगर से 125 किलोमीटर दूर यह इलाका सयाहों को अपनी जानिब राहिब करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर पहले से जो हट्स और दूसरे ठहरने के इंतजाम हैं, वो बड़ी तादाद में पहुँचने वाले सयाहों के लिए नाकाफी है। यही वजह है कि यहाँ पर सयाह उतनी तादाद में नहीं पहुँच पाते हैं और ये सयाहती मकाम उस तौर पर मकबूल नहीं हो पाया है। मगर अब जबकि यहाँ पर सहूलियात में इजाफा दर्ज हो रहा है तो लोग यहाँ पर खींचे चले आएंगे और यहाँ की सियाहत को फरोग मिलेगा। जिस तरह से गुरेज में टूरिस्टों का फ्लो बढ़ रहा है, हमारे पास एकोमोडेशन की कमी है प्राइवेट लेवल पे भी और सरकारी लेवल पे, और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की बहुत एक अच्छी पहल है। जो इस वक्त ये पीछे हमारे पीछे बिल्डिंग बन रही है, उस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ है और बहुत तेज़ी से काम चल भी रहा है, और ये हमारे लिए फायदेमंद है। जम्मू कश्मीर को कुदरत की खास नेमत हासिल है, इसे फरोग देना और उसकी खूबियों से लोगों को लुत्फानंदोज कराने का मौका फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। ये यहाँ की मईशत की बुनियाद को मजबूत करने के लिहाज से अहमियत का हामिल तो है ही, उस इलाके के बाशिंदों को रोजगार के नए नए मुतबादिल मुहैया कराने में भी मददगार है। सियाहती मकामात के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर इन मकासिद को साधा जा रहा है। वादी गुरेज में हो रहे तरक्याती कामों से लोग खुश हैं और वो इसे सयाहत के फरोग के लिए जरूरी मानते हैं। और अब आपका तारुफ उस नौजवान से करा रहे हैं जिन्होंने यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन किया है। दूर दराज के देही इलाके की नई पीढ़ी के बच्चों के लिए मिसाल पेश की है।
जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि कामयाब होने के लिए सहूलियात की नहीं हौसले की जरूरत होती है। वो शख्स हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के देही इलाके से ताल्लुक रखने वाले तनवीर अहमद खान। यूपीएससी के आईएएस इम्तिहान में मुल्क भर में अव्वल आने वाले तनवीर की कामयाबी इस फलसफे की अलामत है। मालिया एतबार से कमजोर होने के बावजूद उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया है। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के दूर दराज के देही इलाके निगिनपोरा गांव की ये तस्वीर है। गांव के लोगों का सीना फख्र से चौड़ा है। आखिर यहां के बेटे तनवीर अहमद खान ने यूनियन टेरिटरी का नाम जो रोशन किया है। उन्होंने यूपीएससी के जानिब से मुनाक़िद किए जाने वाले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इम्तिहान में मुल्क भर में दूसरा नंबर हासिल किया है। वो यूनियन टेरिटरी के पहले तालिबे इल्म हैं जिन्होंने इस मुश्किल इम्तिहान को पास करने में कामयाबी दर्ज की है। उनके घर में जश्न का माहौल है और हर कोई उनकी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा। श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि जो मेरी अकम्पलिशमेंट है इट्स नॉट एंटायरली माय ओन। इसमें मेरी फैमिली सबसे पहले, मेरे जो मैटरनल अंकल है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई मीन उनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। कुछ टीचर्स अपने गांव के हैं, कुछ टीचर्स बाहर के मिले और धीरे धीरे मैंने जो छोटे छोटे टारगेट उन्होंने मुझे सिखाया कि सेट करना, उनको अचीव करना, वो उसी रास्ते पे मैं चला और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक बड़ा टारगेट अचीव किया। दूर दराज के देही इलाके में जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान था, मगर तनवीर अहमद जैसे बच्चे इस बात की कहां परवाह करते हैं। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अपनी गैर मामूली सलाहियत से मुतारिफ कराते रहे। अनंतनाग में वाके लड़कों के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आर्ट के मौजू में डिग्री हासिल करने के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी गए और वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। आला तालीम याफ्ता बनने के लिए वो एमफिल करने के लिए कोलकाता गए और उसी दरमियान आईईएस बनने के ख्वाब को यकीनी बनाने की तैयारी में जुटे रहे। इस तरह से उन्होंने नतीजे को अपने हक में कर दिखाया है। इनकी अपनी कोशिश है और हमारी फैमिली में अगर आप देखेंगे ये तो ये एक ज़हीन होने के साथ साथ एक मुखलिस, एक मुअद्दिब और एक ऐसे इंसान है कि हमारी फैमिली में इनका एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने उसकी इलाज रखी, जो हमने कंट्रीब्यूट किया इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जितना भी किया इनकी उसकी इलाज इन्होंने रखी है और इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है। आईईएस में तनवीर अहमद खान की कामयाबी एक मिसाल है, खास तौर से उन नौजवानों के लिए जो वसायल की कमी का रोना रोते हैं। खराब माली हालात के बीच पढ़े तनवीर के मजबूत इरादे को उनके कुनबे से हौसला मिला। उनके वालिद काश्तकारी से वाबस्ता हैं, मगर उससे पढ़ाई लिखाई का खर्च निकालना मुश्किल था, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिक्शा खींचने का फैसला किया। खेतीबाड़ी से जब फुर्सत मिलती थी तो वो पंजाब जाकर रिक्शा चलाया करते थे। उन्होंने बेटे के ख्वाब को पैसे की तंगी की वजह से टूटने नहीं दिया। मैं दिल के वसूख से और आपके माध्यम से सबको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ही चिराग हर घर में जले, क्योंकि हर घर में, हर घर को शौक है कि हम भी अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों में रोशन चिराग करें। लेकिन रोशन चिराग करने के लिए मेहनत की जरूरत है। अगर मेहनत करे बंदा तो हर कोई काम सफल हो जाती है। जम्मू कश्मीर के नौजवान नई तवानाई से मालामाल है। तालीम हासिल करने और आला इम्तिहानात में कामयाबी दर्ज कर वो इस बात को साबित भी कर रहे हैं। यहाँ के कई बच्चे सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं और नई पीढ़ी उनसे तरगीब हासिल कर अपनी कामयाबी से नई मिसाल पेश कर रही है। दूर दराज के देही इलाके जहाँ पर वसायल की कमी है, वहाँ के बच्चे जिस तरह से खुद को अव्वल साबित कर रहे हैं वो इस बात की अलामत है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक द कांस्टेंट गार्डनर्स की अलामती तकरीब का एहतमाम यूनो ओशी पार्क में किया जाता है।
जुलाई से सितंबर में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम का एहतमाम बर्तानिया के फनकारों के टाउन से टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की जानिब से किया जाता है। इसमें जो फनकार शामिल होते हैं उसमें 4 रोबोट आर्म्स होते हैं, मॉडल ओलंपिक एथलीट होते हैं और जापान की जेन गार्डनर का कैनवास होता है। अलग अलग ओलंपिक एथलीट के मुजाहिरे का कंप्यूटर के जरिए तज्जिया किया जाता है। काले और भूरे रंग के पत्थरों पर 4 रोबोटिक हाथ की मदद से उसे फनकाराना शक्ल अदा की जाती है। इस तरह की फनी सलाहियत वाले काम मंदिर के बागीचे में जेन गार्डनर करते हैं। ये जेन गार्डनर का रवायती काम है। इसमें जेन गार्डनरों के मुतबादल के तौर पर 4 रोबोटिक हाथ काम करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के दरमियान हर रोज इस तरह के आर्ट बनाए जाते हैं। ये आर्ट अलग अलग कल्चर से बना है। इसमें जापानी जेन गार्डनर का रिवायती फलसफा, ओलंपिक एथलीट और रोबोट साइंस का मिला जुला रूप है। जूनो ओशी पार्क चेरी के ब्लॉसम से खिला रहता है। यहाँ पर कंसर्ट हॉल, मंदिर, चिड़ियाघर और कई तारीखी यादगारें भी हैं। इसकी तारीख 400 बरस पुरानी ईदो दौर की है। ईदो हुकूमत के तीसरे जनरल ने यहाँ पर मंदिर बनवाया। बाद में 150 बरस पहले इसे पहला ऑफिशियल पार्क होने का दर्जा मिला। सीरिया की राजधानी दमिश्क में वाकई ये कॉफी हाउस इन दिनों लोगों की पसंद का मरकज बना हुआ है। वो इसलिए कि इसको हिट टीवी शो फ्रेंड्स के किरदारों से सजाया गया है। यहाँ की दीवारें, मग, सोफे, कॉफी बार और ईंटों की दीवारों को उसी तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ पर पहुँचने वाले लोग यहाँ की बेहतरीन कॉफी से तो लुत्फानंदोज होते ही हैं, साथ ही अपने पसंदीदा किरदार को देखकर वो अपनी यादों को भी ताजा करते हैं। लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने के इस नायाब तरीके को वो सराह रहे हैं और इससे इसकी मकबूलियत में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि सीरिया के अलग अलग शहरों में फ्रेंड्स कैफे खुल चुके हैं। वहीं दमिश्क में ये पहला कैफे है और इसके मालिक का मानना है कि उनका ये तजुर्बा उनके कारोबार को बढ़ाने में अहम साबित हो रहा है। कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ये अजीबो गरीब हालात को पैदा करने वाला साबित हो रहा है। इस सूरत हाल में उन्हें सुकून पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कैसियो इलेक्ट्रिक पियानो तैयार कर रही है। लंबे वक्त तक घर पर रहते हुए मौसीकी के आलात का इस्तेमाल लोगों को खुशगवार माहौल का एहसास कराने में अहम रोल अदा कर सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में दर्ज हो रहे बदलाव के बीच मौसीकी के आलात किस तरह से बेहतर तब्दीली लाते हैं इसका तज्जिया करने और इसकी ताईद करने में कैसियो मददगार है। इस मॉडल में 61 तरह की म्यूजिकल टोन है। इसमें एकॉस्टिक, इलेक्ट्रिक, ऑर्गन और सिंथेसाइजर को इंस्टॉल किया गया है। ये इसे बजाने वाले के लिए पसंदीदा टोन का मुतबादल मुहैया कराता है। साइज में छोटे होने के बावजूद इसकी आवाज बुलंद है। कम जगह और बेहतरीन नतीजा कैसियो की पॉलिसी है। और अब बात करते हैं ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव की। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करना है तो ये लाजमी है कि हर शोबे में तरक्की की एक नई इबारत लिखी जाए। लिहाजा तरक्की के नए नए अहदाफ को हासिल करने की जद्दोजहद के असरात अब हमारे माहौलियाती निजाम पर वाजे तौर पर दिखाई देने लगे हैं और मौसमियाती तब्दीली एक बड़े चैलेंज के तौर पर आज हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है। जाहिर है कि इस चैलेंज का सामना भी करना है और इसके लिए जो सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है वो है ज्यादा से ज्यादा शजरकारी। इसी सिलसिले में जम्मू से ग्रीन कश्मीर जम्मू ड्राइव 2021 का आगाज किया गया। इसी हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट।
जम्मू में वाके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने मयारी तालीमी निजाम के सबब एक अहम मकाम रखता है। ताहम इस तालीमी इदारे की आज की सरगर्मियां इस खुसूसी तकरीब के इनेकाद की वजह से मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। जी हां, आज यहां से एक बेहद ही अहम मुहिम ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2021 का आगाज किया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और तालिबे इल्मों ने शिरकत की। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के आगाज का मकसद बड़े पैमाने पर शजरकारी को यकीनी बनाना है ताकि माहौलियाती निजाम का तहफ्फुज किया जा सके। ग्रीन जेएनके और ग्रीन इंडिया मिशन का भी आज यहाँ पे जेएनके में लॉन्च हुआ है। इसका मकसद यह है कि हमें जंगलों को बढ़ाना, विस्तृत करना है, न केवल जंगल बल्कि बाहर के एरियाज और कम्युनिटीज इनमें इन्वॉल्व हो। वो जो एक लुप्त होता जा रहा था सहकारिता, कोऑपरेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट, वो इसे बढ़ेगी और इसलिए आज उपराज्यपाल साहब ने खुद आके हमें नवाजा है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं और इसमें देखिए एक नई क्रांति आएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT के अहाते में पौधा लगाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2021 का आगाज किया। IIT के इस अहाते में महकमाए जंगलात और IIT इंतजामिया के मुश्तरका इश्तराक से 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। अगर इस पूरे मिशन का इहाता किया जाए तो इसके तहत जम्मू कश्मीर में 1,30,00,000 पौधे लगाने का हदफ रखा गया है। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के तहत जम्मू कश्मीर के कुल जोग्राफियाई इलाके के 2/3 हिस्से पर दरख्त लगाने का इरादा किया गया है। जाहिर है, ज्यादा से ज्यादा शजरकारी के जरिए ही तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखा जा सकता है। कि कार्बन एमिशन्स बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आबहवा में बदलाव हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन जो धुआं है जो गाड़ियों से इंडस्ट्रीज से आता है उसका एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इस कार्बन एमिशन को कैसे कम किया जा सके, इसका एक ही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तरक्की की दौड़ में आगे निकलने की आपाधापी में जिस तरह से माहौलियाती निजाम के तवाजुन को जख्म पहुंचा है उसी का नतीजा है कि आलमी सतह पर आज हमें माहौलियाती तब्दीली का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है, ये हमारे लिए किसी इंतबाह से कम नहीं है कि वक्त रहते हम माहौलियात के तईं संजीदगी का मुजाहिरा करें। साफ सुथरी आबो हवा हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, लिहाजा माहौलियाती निजाम को तहफ्फुज अदा करने की इस मुहिम में मुआशरे का हर तबका अपनी जिम्मेदारी अदा करे और इसमें अपना हिस्सा डालते हुए अपनी भागीदारी को यकीनी बनाए। यही वजह है कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के जरिए आवाम को बेदार करने की कोशिश की गई। काफी ज्यादा फायदा होगा, इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा और यहाँ इम्बैलेंस आने से पहले यहाँ के ऑफिशियल्स इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ का इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो हटे ना। तो आई एम रियली ग्लैड ये इनिशिएटिव यहाँ पहले ही लिया जा रहा है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वेट नहीं कर रहा है कि हालत काफी खराब हो जाए तब तक। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2021 के आगाज के हवाले से मुनक्किदा तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से विलेज प्लांटेशन कमेटी के अराकीन को चेक तकसीम किए गए। शजरकारी मुहिम के हवाले से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से अराकीन का चेक के जरिए दी गई इस रकम से हौसला बढ़ेगा। काबिले जिक्र है कि जिन ग्राम पंचायतों में आज से 10-15 साल पहले जो शजरकारी की गई थी उसकी मुतालिका महकमे की जानिब से नीलामी की गई और उससे हासिल रकम का 75% हिस्सा ग्राम पंचायत को दिया गया और 25% हिस्सा हुकूमत के खजाने में गया। अब इस रकम का इस्तेमाल ग्राम पंचायतें अपने इलाके की तरक्की पर खर्च कर सकती हैं। जाहिर है, ये शजरकारी मुहिम को तकवियत देने का एक बेहतरीन तरीका साबित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर में वाकई तारीखी अहमियत के हामिल हरी पर्वत फोर्ट पर लहराएगा 100 फीट लंबा तिरंगा। जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों किया गया इसका ऐलान। जम्मू कश्मीर में अगले हुकुम तक तमाम स्कूल और आला तालीमी इदारों समेत कोचिंग सेंटर्स और तालिबे इल्मों की मौजूदगी वाली क्लासेस रहेंगी बंद।
कोविड 19 वबा के खतरात के पेश नजर लिया गया है ये फैसला। श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को किया गया तैनात। कोविड 19 के खतरे के पेश नजर किया गया है ये इंतजाम। बड़गाम के चीफ मेडिकल अफसर ने दी इसकी जानकारी। महकमाए बागवानी कश्मीर के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट ने अपने महकमे के अहलकारों को नौजवानों को मेवों और सब्जियों को तहफ्फुज अदा करने के लिए ट्रेनिंग देने की हिदायत। इस शोबे में नौजवानों के लिए रोजगार के इम्कानात को तलाशना है इसका मकसद। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स ने अपनी नई पेशकश को बाजार में उतारा है। गुज़श्ता बरस लॉन्च किए गए माइक्रोमैक्स इन वन बी स्मार्टफोन का अपग्रेडेड वर्जन है इन टू बी स्मार्टफोन। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए खास फीचर से लैस इस नई पेशकश की कीमत भी मुनासिब रखी गई है। आइए डालते हैं इसकी बाकी की खूबियों पर एक नजर। माइक्रोमैक्स इन टू बी एंड्रॉइड 11 पर काम करता है। इसमें 6.52 इंच का HD और वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इसमें यूनिसॉक्स T610 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। कीमत के हिसाब से इसके दो वेरिएंट हैं, एक 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला और दूसरा 6GB रैम और 64GB स्टोरेज कैपेसिटी वाला। इसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ाने की सहूलियत दी गई है। ये रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है। इसमें 5000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। और अब बात करते हैं बच्चों को बराबरी की सतह पर लाकर उनकी तवानाई को नई समझ देने की। मुख्तलिफ तरह के खेलकूद में उनकी दिलचस्पी को फरोग उसी का एक सिलसिला है। इसके तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को गोल्फ जैसे खेल में भी उनके हुनर को निखारा जाए और वो उसमें महारत हासिल कर सकें, इसके लिए उन्हें तरबियत दी जा रही है। अलग अलग स्कूल के बच्चे इसमें शरीक हो रहे हैं और इस खेल को सीखने का उनका तजुर्बा बेहद ही शानदार है। दरअसल मुल्क में पहली दफा माली एतबार से कमजोर बच्चों को भी इस खेल में हुनरमंद बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है और ये उनके हौसले को बुलंदी अता करने वाला साबित हो रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। श्रीनगर में वाकई ये तारीखी गोल्फ कोर्स है। दर्जन भर की तादाद में यहाँ पर मौजूद इन बच्चों में से किसी का ताल्लुक रहीस खानदान से नहीं है, बल्कि ये सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं। मगर रईसों का खेल माने जाने वाले इस खेल में उनकी दिलचस्पी पैदा हो, वो इसमें माहिर बन सके, इसके लिए उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पहला मौका है जब सरकारी स्कूल के बच्चों और गोल्फ में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों के लिए इस एकेडमी को खोला गया है। मुस्तकबिल के हवाले से बात करें तो कश्मीर मुल्क में तरबियत याफ्ता गोल्फ खिलाड़ियों का हब बनने की सम्त में आगे बढ़ रहा है। कम से कम 7-8 साल फ्लड की वजह से ये बंद ही रहा है, उसके बाद ये टोटली खुला भी नहीं। तो LG साहब की बहुत इनायत है इस गोल्फ कोर्स के ऊपर, जो इन्होंने ये गोल्फ कोर्स रिसेंटली ओपन कर दिया है और बच्चों के लिए खास तौर ये जो कैंप यहाँ पे स्टार्ट किया है। तमाम तरह के खेलकूद की तरह इस खेल में भी खिलाड़ी का चुस्त दुरुस्त होना पहली शर्त है, लिहाजा उन्हें यहाँ पर जिस्मानी तौर पर फिट रखने के लिए शिद्दत के साथ कसरत करवाई जा रही है। ट्रेनर की जेरे निगरानी में वो अपने जिस्म को फिट रखने के लिए नए नए तजुर्बात से लैस हो रहे हैं और इसे सीखने में उनकी दिलचस्पी देखते ही बनती है। ये सरकारी स्कूल के बच्चों को तरबियत देने की शुरुआत है और इसमें 25 बच्चों को शामिल किया गया है। तकरीबन 2 हफ्ते की ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम बच्चों को इस खेल के प्रति दिलचस्पी पैदा करने में अहम साबित होने वाला है। गवर्नर साहब जो है हमारे, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे गरीब बच्चों को यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत बाहर से देखता था
मैं जाता था फुटबॉल वगैरह खेलने, मगर ये अलग, बहुत अलग गेम है सर। और सर मैं बाहर से देखता था, इधर अलाउ नहीं करते थे किसी को सर। मैं आप फयाज साहब हमारे कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं। जम्मू कश्मीर में खेलकूद के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है, बच्चों की इसके तई दिलचस्पी को फरोग मिल रहा है और नए नए स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर तौसी की गई है। बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। साल 2014 में आए सैलाब से यहां के बुनियादी ढांचे को काफी जख्म पहुंचा था और उसमें ये गोल्फ कोर्स भी शामिल है। अब इसकी मरम्मत करके इसे तकरीबन 7 बरस बाद दोबारा से खेल शायकीन के लिए खोला गया है। यहाँ पर तरबियत हासिल करने वाले बच्चों के लिए इसमें खुद को साबित करने का ये बेहतरीन मौका है। सर सबसे पहले सर ये गोल्फ जो सर बहुत कॉस्टली गेम है सर, मैं टीवी में देखता था सर। सर आज सर बहुत अच्छा लग रहा है सर इधर आने के लिए। और गोल्फ ट्रेनिंग सर, ट्रेनिंग कैप सर, और सर हम शुक्रगुजार हैं गवर्नर साहब के, उन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ आने के लिए। ये यूनियन टेरिटरी में नए दौर का आगाज है। यहाँ के बच्चों को मुख्तलिफ खेलों में तरबियत देकर उनकी तवानाई को नई समत दी जा रही है, इसमें उनकी दिलचस्पी पैदा की जा रही है और हौसला अफजाही भी की जा रही है। इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। मुख्तलिफ खेल कूदों में यहाँ के बच्चे मुल्की और बैनुल अक्वामी सतह पर अपनी अलग शिनाख्त कायम करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और वो अपनी तवानाई को नई समत देने में जुटे हैं और इसके लिए उन्हें जरूरी प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कुदरती तौर पर दरकार है। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। रच रच था।